हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिसेस सुमन। आपके ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के पार्ट फोर्थ में फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल सनराइज प्रोडक्शन के साथ। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। देखिए, हम इसमें आपके माउंटेन्स कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इंडियन डेजर्ट का है। कि डेजर्ट जो है, आपको पता है ना हमारे डेजर्ट को क्या कहते हैं, पता है, हमारे डेजर्ट को थार डेजर्ट कहते हैं। थार जो है भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत का तो सबसे बड़ा डेजर्ट आपको पता चल गया कौन सा है, थार। अब आप बताएं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा है। अब डेजर्ट क्या होता है भाई, डेजर्ट का नाम आते ही आपके सामने मिट्टी के बड़े बड़े टीले दिखाई देंगे, दिखाई देते हैं ना। तो ये मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन कैसे गए, क्यों बने हैं, ड्यू टू लैक ऑफ प्रिसेप्शन, यानी रेनफॉल की कमी के कारण। ठीक है, और रेनफॉल कम होती है तो वेजिटेशन कम होती है, वेजिटेशन कम होती है तो आपकी सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होती है। इस कारण यहाँ सैंडी क्या हो गए हैं, डून्स हो गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अरावली हिल्स कहाँ है हमारी, अरावली हिल्स जो है राजस्थान में है। और राजस्थान अगर इंडिया के मैप में देखोगे तो किस तरफ है, वेस्टर्न मार्जिन में है। तो कह रहा है कि इंडियन डेजर्ट कहाँ फैला हुआ है, भारत के पश्चिम हिस्से में फैला हुआ है, अरावली की पहाड़ियों की तरफ। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, इट इज ए लैंड ऑफ अंडुलेटिंग, क्या कह रहा है, इट इज ए लैंड ऑफ अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कवर्ड विथ सैंड डून्स, मिट्टी के टीलों के साथ ढकी हुई ऊंची नीची टोपोग्राफी की क्या है ये जमीन है। और क्या कह रहे हैं, दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है पूरे साल में, 150 mm के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या कह रहा है, इट हैज अराइड क्लाइमेट, यहाँ बहुत ही अराइड क्लाइमेट होता है, बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। ठीक है, वेजिटेशन कम अपने आप ही होगी, आपको पता है जब यहाँ बारिश कम है तो वेजिटेशन ऑब्वियस सी बात है यहाँ कम होगी। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एक ही रिवर है जिसका नाम है लूनी, क्या है, लूनी। ठीक है, बार्चन्स यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और बार्चन्स क्या होती है, क्रिसेंट शेप के दून होते हैं, यानी क्या है, इस तरह से आपके जो टीले होते हैं, इस तरह से आपके रेत के टीले होते हैं, आपके रेत के टीले इस तरह से होते हैं, लेकिन हवा के कारण ये टीले कुछ इस तरह से यहां से एयर के कारण क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, आपके बार्चन्स बन जाते हैं। ठीक है, कवर्स लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल डून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, क्या कह रहे हैं, पूरे मतलब राजस्थान में बहुत ज्यादा आपको ये बार्चन्स दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहाँ दिखाई देंगे भाई, कौन से लॉन्गिट्यूड पर, जहां आपके भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है उस साइड। ठीक है, ये आपका जोधपुर जैसलमेर की साइड। ठीक है, अब कह रहा है क्या, यू मे फाउंड ए ग्रुप ऑफ बार्चन्स इन जैसलमेर, देखो इसने बता भी दिया कि जैसलमेर में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, बार्चन्स मिलेंगे। क्या कह रहा है, यू मे ऑल्सो फाउंड ग्रुप ऑफ वार्चन्स देयर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बहुत बारिश का मौसम होता है ना तभी कुछ हल्की फुल्की स्ट्रीम्स यानी नदियां यहां दिखाई देती हैं आपको, छोटी मोटी जो नदियां हैं वो, लेकिन कोई भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और वो वहीं आपके रेगिस्तान में सूख जाता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया नोन एज थार डेजर्ट, जो सबसे बड़ा जो आपका डेजर्ट है, जो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम क्या है, थार है। ठीक है, आपका डेजर्ट कंप्लीट। उसके बाद आपकी नेक्स्ट फिजिकल फीचर है आपका द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल क्या है, तटीय मैदान, तटीय मैदान। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। अब ये जो आपके तटीय मैदान है इनको दो तरह से बांटा है, क्योंकि भारत का जो तट है समुद्र में, जो पेनिनसुलर आपका प्लेट्यू था वो इस तरह से था, और इसके जो ये हिस्से हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन्स कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहेंगे, जो भारत के हिस्से हैं, जो आपके क्या हो रहे हैं, ये यहाँ आपका बांग्लादेश हो गया और यहाँ आपका ये गुजरात के कुछ हिस्से, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका पूरा जो ये हिस्सा है आपका, इसको हम क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन। ठीक है, यानी समुद्र तटीय मैदान।
ठीक है, यानी समुद्र तट के किनारे जो आपका रेतीला हिस्सा पाया जाता है मैदान का उसे। अब ये वेस्टर्न साइड है, ये आपका वेस्टर्न है और ये आपका ईस्टर्न है। तो कह रहा है नैरो कैस्टल स्ट्रिप, स्ट्रिप होती है पट्टी, फ्लांक द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू के साइड में। इस तरह से आपका ये क्या था, पेनिनसुलर प्लेटू था, पेनिनसुलर प्लेटू के जो वेस्ट में है, रनिंग अलोंग अरेबियन सी। यहाँ आपका क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी, इस अरेबियन सी से वेस्ट, ठीक है, और इसे तो क्या कहेंगे आप, वेस्टर्न कोस्ट कहेंगे। और जो यहाँ आपकी क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ आपका क्या है, आपका ईस्टर्न कोस्ट है। अब सबसे पहले किसको पढ़ेंगे आप, वेस्टर्न कोस्ट को पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस, इसमें तीन सेक्शन समाये हैं। क्या क्या, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कोंकण, कोंकण कहलाता है, जो मुंबई से गोवा तक है, ठीक है, मुंबई से गोवा तक आपका कोंकण पार्ट है, सेंट्रल स्ट्रेच, और जो इसके मध्य का हिस्सा है, जो आपका सेंट्रल स्ट्रेच है, जो सेंट्रल स्ट्रेच है इसे क्या कहेंगे, कन्नड़ प्लेन। देखो मुंबई से गोवा, यहाँ आपकी मुंबई है, यहाँ आपका गोवा है, और ये आपका सेंट्रल स्ट्रेच आ गया है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आप, कन्नड़ प्लेन कहेंगे। उसके बाद आपका आता है साउदर्न, साउदर्न क्या है आपका, जो ये नीचे का हिस्सा है ये, ठीक है, देखो ये नीचे का हिस्सा जो है आपका साउदर्न प्लेन, साउदर्न आ गया है, तो साउदर्न स्ट्रेच जो है उसको क्या कहेंगे, मालाबार कोस्ट कहेंगे। तो आप देखो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज नॉट इंक्लूड इन आपके, इन यूर वेस्टर्न कोस्ट, कोंकण, कन्नड़ प्लेन, मालाबार एंड आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, मालाबार कोस्ट पढ़ लिया, कन्नड़ प्लेन पढ़ लिया और कोंकण पढ़ लिया, ये तीनों ही आपके कोस्ट किस में आ रहे हैं, आपके वेस्टर्न कोस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आपका ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में क्या बता रहा है, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट पार्ट आर वाइड एंड लेवल। देखो वो तो नैरो था, नैरो था और थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन जो ईस्ट वाला है वो कैसा कह रहा है आपका, कि ये कैसा है भाई आपका, ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाएगा एक तो, दूसरा चौड़ा पाया जाएगा, तीसरा चौड़ा है, ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, लेवल में पाया जाएगा, लेवल है यहाँ। तो कह रहा है नॉर्दर्न पार्ट यानी जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, ये आपका जो है वो क्या कहलाता है, नॉर्दर्न सिरकार कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो साउदर्न पार्ट है, जो साउदर्न यानी नीचे का जो हिस्सा है, वो आपका कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, कोरोमंडल। अब कह रहा है लार्ज रिवर सच एज महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। देखो बहुत सारी नदियां जो है यहां से होकर वेस्ट बंगाल की थ्रू जो आपकी है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो क्या करती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे है उस पर बहुत सारी नदियां मिलकर क्या बना देती हैं भाई, डेल्टा बना देती हैं। और क्या कह रही हैं, लेक चिल्का जो है, क्या बता रही हैं, लेक चिल्का जो है यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किसकी, आपकी ईस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्ट में आपकी क्या है, चिल्का लेक है, उड़ीसा में है ना आपकी, हाँ, वो आपकी क्या है, इसकी विशेषता है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की जो है लेक है ये। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, और साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, और महानदी का जो डेल्टा है ना उसके साउथ में है, यानी मान लो यहाँ महानदी का डेल्टा है तो यहाँ आपकी क्या है, उड़ीसा है, सॉरी चिल्का लेक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन बता रहा है अभी कि नीलगिरी हिल्स जो है आपकी प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, जहां आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वहां आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और क्या कह रहे हैं इसके साथ साथ, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द सह्याद्री एंड द अरेबियन सी। सह्याद्री पर्वत और आपकी अरेबियन सी के बीच में क्या कहलाता है आपका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है, जो हिस्सा आपके अरेबियन सी और सह्याद्री के बीच आता है, सह्याद्री की पहाड़ियां हैं वहां, ठीक है, उनको क्या कहते हैं आप, वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका है द आइसलैंड, ठीक है, ये आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड वाला जो है आपका लास्ट पार्ट है इसका। कह रहे हैं आइसलैंड होता क्या है, एक ऐसी भूमि लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वॉटर, लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वॉटर, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी है उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो कह रहा है लक्षद्वीप, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक तो आपका क्या है अरेबियन सी की साइड है और दूसरा आपका किधर है, बे ऑफ बंगाल की साइड, ठीक है। अब जो अरेबियन सी की साइड है वो है लक्षद्वीप और जो बे ऑफ बंगाल की साइड है वो आपका है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो कह रहा है लक्षद्वीप आइलैंड इज ग्रुप इन द अरेबियन सी,
इज क्लोज टू केरला, केरला के पास जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। और ये जो है एक आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, अरेबियन सी में पाया जाता है। और क्या कह रहे हैं, ये जो ग्रुप है आइलैंड का कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड से ये बना है। कोरल्स क्या होते हैं, इसमें कुछ जीव होते हैं, उन जीवों की वजह से ये बना होता है। कह रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड वर अर्लियर नोन एज लक्कादीप, पहले से लक्कादीप कहा जाता था, मिनिकाय एंड अमीनदीप, ठीक है, अमीनदीप मिनिकाय और लक्कादीप इसे पहले कहा जाता था, इसके ये जो है ओल्ड नेम है, ठीक है। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यानी इसकी जो कैपिटल हमें जिसे कहते हैं लक्षद्वीप की, वो क्या है, क्वारती है, ठीक है। पिट्टी आइलैंड है इसमें, ये जो है यहाँ पाया जाता है, कहाँ, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कौन सा आइलैंड पाया जाता है, पिट्टी आइलैंड पाया जाता है। इसका नाम क्यों बताया है स्पेशल, क्योंकि यहाँ एक बर्ड सेंचुरी बना रखी है भाई, ठीक है, बर्ड सेंचुरी यहाँ बना रखी है। इसके अलावा क्या कह रहा है, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है हमारे, वो एक चेन में पाए जाते हैं। देखो ऐसा ऐसे है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड आपके बहुत सारे हैं, ये संख्या में इनकी संख्या आपके बहुत ज्यादा है, 300 समथिंग है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब कह रहा है क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड आर एंगुलेटेड एलोंगेटेड विद चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की साइड ये पाए जाते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड, क्या कह रहे हैं, ये साइज में बड़े भी हैं, संख्या में भी ज्यादा हैं, और स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ये जो पूरा आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार, पता चल रहा है ना नाम से, दो नाम है इसमें, तो इन दो नामों के थ्रू ही ये दो भागों में बटा हुआ है। अंडमान जो है इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसे अंडमान कहते हैं, और जो साउदर्न पार्ट है इसका उसे निकोबार कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जैसा कि आपको पता है कि ये दो जो है इसके नाम है अंडमान और निकोबार, जो अंडमान है वो नॉर्थ वाला पार्ट है, और जो निकोबार है वो आपका साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। कहा जाता है कि पर्वतों के कुछ भाग हैं ये, वे पर्वत जो आपके समुद्र में पूरी तरह से डूब चुके हैं, ठीक है, ओके। लास्ट जो है आपका क्या कह रहा है, दीज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यूजफुल फॉर इंडिया, तो कैसे हैं, देखो हमने बहुत सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए हैं, इसके माउंटेन्स पढ़ लिए हैं, प्लेन्स पढ़ लिया है, ठीक है, डेजर्ट पढ़ लिया, कोस्टल प्लेन पढ़ लिया, आइलैंड्स पढ़ लिए हैं। अब क्या कह रहा है ये कि ये जो फीचर्स हैं ये किस तरह से भारत के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, कैसे ये इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे देश के लिए। तो पहले क्या बता रहा है, माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, क्या कह रहा है कि पानी का, देखो हमने इसमें पहले बताया था कि यहां हमारे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और वहां से क्या हो रहा है, बहुत सारी नदियां भी निकल रही हैं, बताया था ना माउंटेन में थी, ठीक है। अब जब पानी यहाँ अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट बेटर है, तो यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, हम पहले बात कर चुके हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है पूरे भारत का क्या है, भंडार घर है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ ये क्या है, फर्टाइल एरिया है, और सबसे ज्यादा अनाज यहाँ पैदा होता है। और क्या है इसकी विशेषता, द प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्लेटू क्या है, हमारे भंडार घर है, किन के खनिजों के, खनिज बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं हमारे प्लेट्यूज में, ठीक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, किसमें, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। अगला आपका क्या है, द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी, जितने भी आपकी बंदरगाहों पर क्रियाकलाप होते हैं, फिशिंग एक्टिविटी होती है, वो सारी आपकी कहाँ होती है, कोस्टल रीजन में होती हैं। इसी के साथ आज हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स, यू प्लीज इस वीडियो को, हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक किया कीजिए, ठीक है। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो अपने आप पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा, तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, ओके, थैंक यू।